हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी किया गया है, और इस बात को मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि कम से कम आप लोग 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर प्रारंभिक परीक्षा की और मुख्य परीक्षा की स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस के उठा के देख लीजिए। आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं, वनडे एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस वन लाइनर में आते रहते हैं, और आप लोगों को कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर आप लोग देख लेंगे तो आपको मालूम तो चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कई बार आप देखते हैं कि निबंध आ जाता है, कई बार मुख्य परीक्षा में आपका क्वेश्चंस आ जाता है, तो इन आंकड़ों को आप लोग वहां भी उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह के जितने भी इंडेक्स है, रिपोर्ट है जो संस्था जारी करता है, उन सब के बारे में विशेष तौर पर याद रखिए, और भारत के बारे में भी आपको उस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है और हमारे पड़ोसियों को कौन सा स्थान मिला हुआ है। पड़ोसियों की बात कर रहा हूं तो मैं चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और जो आपका बांग्लादेश है, इनके बारे में विशेष तौर पर याद रखिए आप लोग। और टॉप 3 यानी कि ऊपर के 3 के कौन है उन्हें भी याद रखिए, और नीचे से टॉप कौन कर रहा है उन्हें भी आपको याद रखना है। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं और भारत की क्या स्थिति रही है इसे भी देख लेते हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए भारत को कौन सा स्थान मिला है, 10वां। यह लगातार दूसरी बार है जब भारत इस सूचकांक में शीर्ष 10 यानी कि टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हुआ है। आप देखेंगे कि पिछले साल इस सूचकांक में 9वां स्थान मिला हुआ था, तो पिछले साल का भी याद रखिए, क्योंकि अभी आपने पिछले साल देखा होगा यूपीपीसीएस ने 2017 का पूछ लिया था इंडेक्स में, कई तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो एक साल पीछे का भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे टॉप की बात करें तो इसमें टॉप 3 में किसी को रैंकिंग नहीं मिली है। स्वीडन 4वें नंबर पर, यूके आपका 5वें नंबर पर और 6वें नंबर पर है डेनमार्क। तो यहां स्थिति दिखा देते हैं आपको, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ आपका श्रीलंका है, ये आपका म्यांमार, ऊपर चाइना, ये नेपाल, और ये है बांग्लादेश, ये भूटान, ये आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। यहां से आप जाएंगे तो यूरोप में तो आपको स्वीडन ये देखने को मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम ये देखने को मिलेगा, ठीक है, और डेनमार्क यही है आपका। तो इनको याद रखिए, इनकी स्थिति को भी आप लोग याद रखिए, और याद रखिए इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि जो अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था उसमें सबसे ऊपर कौन सा रहा है, तो स्वीडन एक ही कह सकते हैं आप लोग कि पहले ही स्थान पर है। जब आप सोचिए पहले 3 खाली हो तो किसको कह दिया जाए ऊपर है, स्वीडन को ही तो कहेंगे आप लोग, तो याद रखना है आपको। इसमें आप अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो आप देखेंगे 2020 में 10वें नंबर पर था, 2019 में 9वें नंबर पर, 2018 में 11वें, 2017 में 14वें, 2016 में 20वें, और 2015 में था ये 25वें, 2014 में ये था 31वें नंबर पर। यानी कि भारत ने काफी अपनी सुधार कर रहा है, और सुधार क्या कर रहा है, जब हमें यहाँ हम लोग आ जाएं तब हमें खुशी होगी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करें CCPI की, तो प्रकाशन की तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन बॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। तो इस एजेंसी का नाम याद रखना है, कौन जारी करता है, जर्मन बॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर एक तरह से इस रिपोर्ट को जारी किया गया जाता है। पहली बार कब जारी किया गया था, 2005 में, और हर साल ये जारी करता है, ठीक है। यह 57 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के तौर पर कार्य करता है। इसमें 57 देश शामिल है और एक यूरोपीय संघ भी शामिल है। इसके तहत आप देखेंगे सभी देश संयुक्त तौर पर 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसका उद्देश्य यानी कि लक्ष्य क्या रखा गया है, अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और अलग अलग देशों द्वारा जलवायु संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों और प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाना है। मापदंड की बात करें तो यह सूचकांक 4 श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। कहने का मतलब है कि 4 श्रेणियों के अंतर्गत जो 14 संकेतक को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाता है एक तरह से,
और वैसे भी आप जान रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन का कितना महत्व बढ़ चुका है, अब हमें इस ओर ध्यान देना होगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अपने ही देश में देख लीजिए, मालूम ही नहीं चलता कि कब बरसात हुई, कब ठंड आ गई, कब गर्मी आ गई, पूरा परिवर्तन हो गया है। कभी आप सोचते हैं जहां पानी बरसात नहीं होती है वहां बाढ़ आने लगी है, कभी तूफान, चक्रवात, इस तरह से आप देख रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है जलवायु में, उसी का परिणाम हम लोग भुगत भी रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपभोग 20%, जलवायु नीति 20%। आपने देखा होगा कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप समझिए कि एक समय के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, कोयला आपका है, फिर चाहे आपका डीजल हो या तेल हो, कच्चा तेल हो, समझ रहे हैं आप लोग? तो इन्हें बनने में कितना साल लगता है? लाखों साल लगते हैं, उपयोग होने में बहुत कम समय लगता है। तो आप समझिए आप लोग कि मानव जिंदगी चल रही है तो उसके साथ ऊर्जा के बिना मुझे नहीं लगता है कि संभव है। तो आपने देखा होगा जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा जिसे कहते हैं, या फिर सौर ऊर्जा की ओर ध्यान दिया जा रहा है। हमारा देश इसमें काफी प्रगति भी कर रहा है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के बारे में बात करें तो सूचकांक में पहले तीन स्थान खाली रहे, क्योंकि कोई भी देश तीन स्थानों से संबंधित मापदंडों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया है। कहने का मतलब है कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं, मान लीजिए, ठीक है, अब कह दिया जाए कि 100 नंबर में से जो 99 नंबर लाएगा उसे टॉप 3 में रखा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? आप समझ लीजिए कि किसी के 99 नंबर नहीं आते, तो आप समझिए कि तीन वो खाली रहे और चार नंबर से गिनती शुरू हो जाती है, ठीक है। G20 समूह के केवल दो ही देश यथा भारत और ब्रिटेन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। G20 समूह के 6 अन्य देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब को इस सूचकांक में सबसे निम्न रैंकिंग प्राप्त हुई है। अमेरिका को तो होनी ही थी, क्योंकि आपने देखा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे उन्होंने किस तरह से एक संगठन को कमजोर किया, उनसे निकलते गए। यह दूसरी बार है जब अमेरिका को इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। चीन, जो वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, इसको 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर भारत के प्रदर्शन की बात करें तो इस सूचकांक में भारत को 10वां स्थान यानी कि 100 में से 63.98 अंक प्राप्त हुए। जिस तरह से आप देखते हैं कि आप 100 नंबर का पेपर है उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए हैं भारत को? 63.98। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो भारत को नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के तहत 57 देशों में से 27वें स्थान पर रखा गया। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिए, जबकि बीते वर्ष भारत इसमें 26वें स्थान पर था। क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहेंगे, फिर चाहे आपका निबंध के रूप में आ जाए या मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के रूप में आ जाए क्वेश्चन, या फिर प्रारंभिक परीक्षा में। सेप्टेम्बर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा रीवा पावर प्रोजेक्ट, समझ रहे हैं आप लोग? कभी जाएं तो वहां देख के आए जरूर आप लोग, ठीक है। एमपी में रीवा है ना आपका। भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान में वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की बात कही है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर पर है। इस श्रेणी में आप देखेंगे भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसे भी याद रखिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत को 12वां स्थान मिला है। BS6 उत्सर्जन मानदंड, भारत में ऑटोमोबाइल से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए BS6 उत्सर्जन मानदंड को लागू किया गया है। अब आप लोग गाड़ी खरीदते होंगे नई, तो उसमें लिखा रहता होगा BS6 गाड़ी, मतलब BS6 उत्सर्जन वाली ये गाड़ी है, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है। जलवायु नीति की बात करें तो इस श्रेणी में भारत को 13वां स्थान मिला था। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ सन 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिक और उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों और इनसे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। ऊर्जा उपयोग की बात करें
तो इस श्रेणी में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है। कौन सा? 10वां। भारत ने न केवल ऊर्जा दक्षता हेतु संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में एक व्यापक नीति तैयार की है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करते हुए उपभोक्ताओं और नगर निगमों के लिए मांग आधारित प्रबंधन कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। भारत के लिए अगर सुझाव की बात करें हम लोग, तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीति में COVID-19 महामारी के बाद की रिकवरी योजनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को कम करना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना शामिल है इसमें। ठीक है, तो यही कहानी है आपकी, जो भी आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इन्हीं पॉइंटों को आप लोग याद रखिए। और जब भी कहीं भी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरह की जो भी रिपोर्ट आती है, जो भी संस्था जारी करती है, उन्हें आप लोग जरूर याद रख लीजिए। वैसे आपके जितने भी संगठन है, राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, सबको हम लोग कवर कर चुके हैं आपके। तो प्लेलिस्ट सूची में जाइए और महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी सूची बनी हुई है, क्योंकि मैंने देखा है कि 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के आप लोगों को सॉल्व भी तो करवाए हैं। MPPSC के करवा चुका हूँ, UPPCS के भी करवाए हुए हैं और सिविल सर्विस के भी करवाए हुए हैं। तो आप लोग उसमें जाकर देखिए, इन संगठनों से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। और अब तो सुना है कि संगठनों को मध्य प्रदेश में MPPSC में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि वो 6 नंबर और आपके 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो विशेष तौर पर आप लोग पढ़ जरूर लीजिए।